अस्सलामुअलैकुम, माय नेम जावेद इकबाल एवान। पाइथन सीरीज़ में मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। जैसे नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, और जो तीनों वैरायटी जो हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में होती है, तीन ही तरह की स्टेटमेंट्स होती है। एक होती है इफ स्टेटमेंट होती है, एक होती है स्विच केस स्टेटमेंट्स होती है, और एक टर्नरी ऑपरेटर होती है। तो पाइथन 3 यानी पाइथन 2.5 के बाद, पाइथन 2.5 में टर्नरी ऑपरेटर्स आया, और पाइथन 3 अब आपके पास जो है वो तीनों स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। यानी आप इफ़ की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, थोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क है, बाकी स्टेटमेंट वही है। आप टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा स्विचर, जैसे वहाँ पर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है आम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर स्विचर स्टेटमेंट होती है। बस इतना फ़र्क है, बाकी वही तीनों स्टेटमेंट जो हम नॉर्मली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लगाते हैं वो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। वन बाई वन इसकी प्रैक्टिकल करते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। कोशिश ये करेंगे इसको एज ए न्यू लैंग्वेज ना लें। आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आपके पास उसका सिंटैक्स है, आपको समझा याद है सिंटैक्स, आप उस सिंटैक्स पे काम करते हैं, आप उसी सिंटैक्स के ऊपर पाइथन पे काम करें। यानी समझे कि जहाँ पे अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो पाइथन में उसकी जगह क्या लगता है, जहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगती है तो इफ़ वहाँ लगाया जाता है, तो इफ़ के बाद वहाँ पे कंडीशन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होती है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती, लेकिन कंडीशन वही है। तो इसको एज ए न्यू लैंग्वेज लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसके साथ कंपेयर करके और उसमें आप ये करें कि उसमें ये होती है लेकिन उसका उसमें इस तरीके से काम होता है, यहाँ पे उसकी जगह ये यूज़ होता है, अगर अभी करेंगे ना कि उसकी जगह ये यूज़ होता है कि अगर वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगती है तो यहाँ पे कॉलन लगता है, ये एक फ़र्क है। वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन आती है या स्क्वायर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ जैसे नॉर्मली टर्मिनेटर होता है या टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करके काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। सॉरी, यहाँ से एक न्यू फाइल लेते हैं पाइथन की, और मैं नाम देता हूँ कंडीशंस। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आते हैं हम इफ़ की कंडीशन कैसे लगती है। ठीक है जी, अब जैसे हमने इससे पहले हमने ऑपरेटर्स पढ़े, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े वो सारे ऑपरेटर्स से हम किसी भी नंबर्स की वैल्यू को चेक करते हैं, और उसको चेक करने के लिए फिर हम उसके, अगर वो चेक हो जाए तो फिर क्या आउटपुट देना है, नहीं चेक हो जाए तो क्या आउटपुट देना है, इस पर्पज़ के लिए स्टेटमेंट यूज़ होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो यूज़ होती है उनका पर्पज़ यही है कि अगर आपके पास जो आप चेकिंग करना चाह रहे हैं, अगर वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर जो आपको आउटपुट जनरेट करना है वो उस कंडीशन को मैच करके उसके अगेंस्ट में जनरेट हो। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन ये आउटपुट आए, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो भाई ये आउटपुट आए। इस पर्पज़ के लिए हम हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पाइथन में भी ऐसे ही होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने एक्स के नाम से वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी 25। मैंने एक और वाई वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी फॉर एग्जाम्पल 50। अब मैं चेक कराना चाहता हूँ, अब जैसे हमने चेक किया था ना कि हमने कहा वाई ग्रेटर देन एक्स, तो ये हमने लास्ट क्लास में चेक किया था जिस हमने स्टेटमेंट लगाई थी, तो उसने एक ट्रू फॉल्स दिया था। अभी मैं अगर रन करूँगा तो ये मुझे वाई जो है वो बड़ा एक्स है तो ट्रू आएगा, मेरे पास ट्रू आंसर आ जाएगा। लेकिन अब उस ट्रू तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मैं इसको कोई और अपनी मर्जी का मैसेज पास करना चाहता हूँ, या कोई एक्शन देर करना चाहते हैं, ये हो जाए तो ये कर दो, ये हो जाए तो ये कर दो, तो फिर हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पे, कंडीशन स्टेटमेंट पे। तो अगर मुझे इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है तो आपने लिखा सिंपल इफ़ लिखना है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसके बाद अपने स्पेस दे के अपनी कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन ट्रू जाती है तो जैसे आम लैंग्वेजेस में हम जो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पे कॉलन लगता है। आप जैसे कॉलन लगा के आप एंटर करेंगे ना तो देखिए ये आपको लाइन से आगे ले आएगा, इसका मतलब ये कि आप वो आपको उसके ब्लॉक में ले आया, यानी जो इस जगह पर मैं लेकर आ रहा है ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो इस जगह ले आया, इसका मतलब है अब जो भी मैं काम करूँगा अगर ये कंडीशन ट्रू जाती है तो फिर यहाँ जो मैं लिखूँगा वो इम्प्लीमेंट होगा। मैं चाहे यहाँ पे वेरिएबल ले लूँ, चाहे मैं कैलकुलेशन कर लूँ, या सिंपल एक प्रिंट कर दूँ, जो मेरी मर्जी है, जो भी मैं एक्शन करना चाहता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे ये एक्शन करे, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हमने कहा प्रिंट, तब देखो प्रिंट इसका एक पार्ट हो गया, इस इक्वेशन का पार्ट हो गया, हमने कह दिया एक मिसाल है, हमने कहा यस। ठीक है जी, अब जब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, स्पेस एंटर करके रन करेंगे तो मुझे इसका आउटपुट आ गया। मैं दोबारा इसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि समझे कि अगर मैं प्रिंट को यहाँ ले जाऊँगा तो ये इसका पार्ट नहीं होगा।
अब ये इसका पार्ट नहीं होगा अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो, कि मिसाल अगर कंडीशन रॉन्ग होती है अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये प्रिंट तो उसका पार्ट नहीं है, वो अलग हो गया उससे। तो आपने जब इसको करना है इसका पार्ट बनाने के लिए ये आपको इतना स्पेस देता है। अब ये इसका पार्ट हो गया, इसको याद रखिएगा, अगर आपने इसको बैक कर दिया तो ये आपको जो है उसका हिस्सा नहीं रहेगा, तो सो दैट उससे उसका लिंक नहीं होगा तो आपको एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इफ से स्टेटमेंट लगता है, अगर इसे ग्रेटर देने तो ठीक है भी अपना जो है उसने यस पास कर दी, हमारे पास सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट हो गई। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं कि अगर ये हो तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, तो फिर इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, अब मैंने कहा इफ़, और मैं यहाँ पे इफ़ के बाद मैंने कहा इफ़ फॉर एग्जाम्पल एक्स की मैं कंडीशन लगाता हूँ, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स वाई से बड़ा हो, कॉलन लगाया, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हमने कहा यस, नहीं तो, अब मैं जाता हूँ एल्स की स्टेटमेंट देने जाता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तो ये इसी इफ़ का पार्ट है, मैं यहाँ पे एल्स नहीं लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो इसका मतलब इफ़ इसी इफ़ की बॉडी के अंदर आ गए हम, तो इफ़ की बॉडी से बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं कहता हूँ एल्स, अब मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। अब देखो इसने एल्स के बाद मेरे कॉलन नहीं लगाया तो उसने बॉडी नहीं दी, तो एल्स के बाद यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, अब देखो मेंटा करूँगा उसने बॉडी बनाई। अगर आपको समझे कि वो बॉडी नहीं बनाई पीछे चला गया तो इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है, साइंटिक्स मिस्टेक की है, तो हमें उसी वक्त उसको चेक कर लें कि आपने कॉलन नहीं लगाया हुआ। तो मैंने एल्स दिया कि अगर हो तो ठीक है, एल्स नहीं तो, हमने कहा अभी प्रिंट कर दो, हमने कहा नो। ठीक है जी, अब जब मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ तो मुझे नो का प्रिंट आएगा, क्योंकि एक्स जो है वाई से बड़ा नहीं है, एक्स तो वाई से छोटा है। अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज देना चाहता हूँ, अभी तो देखिए इफ़ एल्स हो गया ना, तो इसके बाद मल्टीपल वैल्यूज पास करना चाहते हैं तो फिर इस वर्ष के लिए होता है बस इफ़ एल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ ने ये दे दिया इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई तो प्रिंट यस कर दो। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, तो हमें पता है जब हम इफ़ एल्स का ब्लॉक करते हैं तो हमेशा नॉर्मली सारे तमाम लैंग्वेज में कि इफ़ एक ही होता है, एल्स एक ही होता है, जिस इफ़ का यूज़ करेंगे उसका एल्स होगा, जितने चाहे हम इफ़ के साथ उतने से एल्स लगा सकते हैं ना, हर इफ़ के साथ एक एल्स होगा, एक इफ़ एक उसका एल्स, लेकिन एल्स सिर्फ़ हमारे पास मल्टीपल जितने चाहे हम दे सकते हैं। तो होगा जाता है क्या है कि वो पहले इफ़ की कंडीशन को चेक करता है, ये पूरा एक ब्लॉक कहलाता है, ये पूरा एक ब्लॉक कहलाता है। तो अगर वो क्या करता है, अगर वो पहले इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो रॉन्ग हो जाएगा तो दूसरे पे आएगा, दूसरा अगर रॉन्ग हो जाएगा तो तीसरी कंडीशन पड़ेगा, फिर इस तरह जितनी भी हमने एल्सिफ दी होती है उन सब कंडीशन को पढ़ता है। अगर सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, यानी इफ़ भी रॉन्ग होगी एल्सिफ भी सारी रॉन्ग हो गए, तो फिर वो एल्स में जाता है। तो मैं इस तरह चेक करता हूँ, जैसे मैंने कहा इफ़ एक्स को मैं मैच करता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन कर देते हैं, चलें ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए ग्रेटर देन कर रहा हूँ, कि अगर वो 40 से बड़ी है तो यस कर दो। ठीक है जी, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आके हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दिया है, तो इसने अच्छा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो एक्स की अच्छा सॉरी 25 है, 40 से बड़ी नहीं है, 25 है, मैं इसको 250 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके इसका मतलब ये कि क्या कर देगा वो, ना मैं इसको कहता हूँ इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, बाजू का ये कैश से गड़बड़ कर देता है। इसको मैं यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मैं इसको आप कैसे क्लियर हुआ, असल में कैसे से आ जाता है तो वो उसी को चेक कर रहा था। तो खैर मैंने इसको जो है कहा कि अगर एक्स की वैल्यू 200 हो तो, अब मैं कहता हूँ इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यानी सिंपल की बात है 40 से बड़ा है तो वो यस पे आ जाएगा ना। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं इसको ये कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं कह देता हूँ एक मिसाल हमने कहा 400 रख लिया, अब मैं दूसरी दिन वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा एल्स इफ। तो एल्स इफ के लिए फिर मैं ब्लॉक से बाहर पीछे आ गया और मैंने कहा एल्स इफ यहाँ पे लगता है ई एल आई एफ, ये एल्स इफ कहलाता है, यानी आपने क्या लगाना है ई एल आई एफ, ये एल्स इफ है। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 है, अब मैं 300 कर लेता हूँ पहली कंडीशन के लिए, फिर कॉलन लगा के फिर मैं कहता हूँ प्रिंट
हमने कहा 300, सिर्फ 300 लिख देता हूँ और वहाँ मैं 400 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं मल्टीपल एलसीएम लगाना चाहता हूँ, लगा सकते हैं। मैं पीछे बैक करके इसे पीछे आऊँगा इसमें, और मैं कहा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 200, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, बाकी कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो हमने कहा हमने इसको प्रिंट कर दो 200, ठीक है जी। अब इसको हम रन करते हैं, तो जब हम रन करते हैं तो देखें 200 वाला आउटपुट आ रहा है। तो पहला इफ उसका रॉन्ग हुआ तो ये पहले एलसीफ में गया, एलसीफ इसका रॉन्ग हो गया तो इसने जो है वो दूसरे एलसीफ में आ गया, और ये एलसीफ आपका इसका ट्रू हो गया तो ये यहाँ पर स्प्रिट कर दिया। अगर ये भी फॉल्स हो जाता तो ये फिर क्या करता, ये एल्स पे आ जाता। अब अगर यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, और हमने जो एक्स की वैल्यू 200 रखी हुई है, इसकी जगह मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20, तो अब ये चला जाएगा किस पे, एल्स पे, और मुझे यहाँ पर आके प्रिंट कर देगा नो। फिर हमें असल में वो इस ब्लॉक में है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो कैश से ला रहा है, तो इसको मैं इसके इस ब्लॉक में डाल देता हूँ ताकि ये इशू हमारा क्लियर हो जाए। तो हमें देखें डायरेक्टली नो आ गया हमारे पास। तो कहने का मकसद ये है कि समझाना तो वही कंडीशन वैसे ही काम करती है जैसे नॉर्मली हमारे पास जो है वो बाकी लैंग्वेज में काम करती है, वही इफ है, वही उसका काम है, वही इसका रोल है, एल्स का भी वही रोल है और एल्स का भी वही रोल है। सिर्फ वैसे साइंटेक्स का फ़र्क है, साइंटेक्स जो मैंने आपको समझा दिया कि इफ़ आपने लगाना है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देनी है, आपने इस अपने इफ़ के अंदर अपने कंडीशन को मैच करना है, फिर लास्ट में आपने कॉलन लगाना है। कॉलन का मतलब ये कि दूसरी लैंग्वेज में जैसे कर्ली ब्रैकेट होती है सी और सी प्लस प्लस, सी शार्प में, जावा में, तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट होती है जहाँ पे कॉलन लग जाता है। लेकिन जब विजुअल वीवी के अंदर विजुअल बेसिक में जब काम करते हैं तो हमारे पास सब और एंड सब होता है, तो जो चीज़ें वहाँ पर होती है वो बेसिकली मैंशन करती हैं उस बॉडी को कि ये बॉडी इफ़ की है, ये बॉडी एल्स इफ़ की है, ये बॉडी एल्स की है। तो यहाँ पे पाइथन में आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है और सॉरी कॉलन लगाना है। जैसे आप कॉलन लगाएंगे तो इसका मतलब है इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपने जो भी काम करना है वो आपने यहाँ देखिए एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से इसको बैक कर दिया तो आप एक दफ़ा टैप का बटन प्रेस कर दें, तो एक टैप का इसको स्पेस दे दें तो उसकी बॉडी का पार्ट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं भी इसको भी टैप को दे दूँगा तो इसकी बॉडी का पार्ट हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए जो है नई स्टेटमेंट देने के लिए हमें जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी कॉलन लगाने के बाद जो भी काम करना है उसकी बॉडी का पार्ट बनाना है, तो वो पार्ट बेसिकली आपने जो है वो एक टैप के स्पेस के साथ वो खुद मेंशन करता है। अगर आपसे बैक पे पीछे ले जाए चला जाए या आपने अगर कॉलन नहीं लगाया तो ये फिर आपको जो है इसका पार्ट नहीं बनाएगा, वो लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देगी। तो फिर आपने फिर क्या करना होगा, टैप का स्पेस दे दीजिएगा और यहाँ पर कॉलन लगा दीजिएगा। तो ये हमारे इस तरह से इफ़ की कंडीशन लगती है। अच्छा, अगर हम नेस्टेड इफ लगाना चाहते हैं, इफ़ के अंदर इफ लगाना चाहते हैं, तो वो भी सेम वही तरीका है जो हम इसमें लगाते हैं। अब जैसे मैंने पहली कंडीशन चेक करनी है, अब जैसे मैं एक्स और वाई की वैल्यू वही रखता हूँ। अब मैं कहता हूँ इफ़ हमने कहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमने कहा एक मिसाल फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 20। अब मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं वाई को भी चेक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करता, फिर मैं दोबारा देता हूँ। मैंने कहा इफ़ और मैंने कहा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, या मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 40 कह दिया, 40 तो हो जाएगा 60 कर देता है, तो देन उस सूरत में हमने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हमने कहा ओके, ठीक है जी। अब मैं जो एल्स लगाऊंगा वो एल्स इस इफ़ का होगा। अब देखो मैं यहाँ पे आके एल्स लगाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एल्स ये बेसिकली क्या करेगा, उस इफ़ का होगा। हमने कहा एल्स नहीं तो प्रिंट कर दो नॉट, सही नॉट प्रिंट करवा दिया उन्हें। अब जब मैं इसको यहाँ पे आके अगर रन करता हूँ तो सब बताइए दोनों कंडीशन पे आएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए पहली कंडीशन से चेक किए 20 ओके हो गई, तो ये दूसरी कंडीशन पे आया और जो मुझे प्रिंट करवा रहा है ये इस नॉट का कर रहा है प्रिंट, मतलब ऐसा ये वाला प्रिंट नहीं किया, इसे जहाँ पे आगे कंडीशन जैसे फॉल्स हो गई यहाँ से बाहर आ गई। और अगर मैं इसका एल्स लगाना चाहता हूँ तो फिर इसका एल्स मैं इसके लिए इसके साथ बनाऊँगा। अब मैं जब ये देखे इसका एल्स आ रहा है वो अगर मैं आ जाता हूँ तो इसका मतलब अब मैं बाहर आ जाता हूँ तो ये जो है वो इसका एल्स बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर आके हमने कहा एल्स और हमने कहा प्रिंट और हमने कह दिया पेरेंट, पेरेंट एल्स कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूँ मैंने कहा चाइल्ड एल्स, ताकि समझ में आ जाए। अब देखो पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा और ये मुझे आउटपुट क्या देगा, चाइल्ड एल्स का। अगर ये पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है तो बिल्कुल वैल्यू तो उसकी मैच हो रही है ना, अगर मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 30,
सबसे पहली कंडीशन रॉन्ग जाएगी तो सब मतलब उसके ब्लॉक में नहीं जाएगा और यहाँ पे पैरेंट एल्स आ रहा है तो इसके एल्स में आ गया। तो जो समझाने वाली बात है सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है जो हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स को समझे कि किस तरीके से इसमें काम करना है। आपने सिंटैक्स को समझना है कौन सा किसका एल से, कौन सा किसका एल से, किस तरह से काम करना है और उसमें हम जो है वो अब देखा ना यहाँ पे इस ये को इसने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मैंने चाइल्ड इफ लगाया कॉलन के बाद जाके एक नया इफ लगाया तो इसने यहाँ से टैप का फासला दे के किया। जब मैंने इसका एल्स बनाया तो उसने टैप का फासला दे के इसके अंदर ही रखा इसको, इसका चाइल्ड बन गया। लेकिन इस इफ का एल्स जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इधर ही रखूंगा, अगर इसको मैं यहाँ से उठा के आगे कर देता हूँ तो इससे मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इस इफ के दोनों एल्स हो जाएंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे मतलब इसको मुझे यहाँ रखना पड़ेगा तो इसका प्रिंट फिर इसके साथ यहाँ पर चलेगा। सिवर से इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि किस तरीके से हमारे पर काम करता है। और नेस्टेड इफ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नेस्टेड इफ कैसे लगता है और इफ एल्स इफ एल्स का ब्लॉक भी हमने देख लिया कि किस तरीके से वो हमारा वो काम करता है। ठीक है जी। अच्छा फिर आ जाते हैं इसके बाद हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ देखिए टर्नरी ऑपरेटर कोई खास यहाँ पे नहीं है लेकिन टर्नरी ऑपरेटर को जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है टर्नरी ऑपरेटर तो हम क्वेश्चन मार्क का साइन यूज़ करते हैं और उस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर का नाम दे दें या फिर शॉर्ट हैंड इफ का नाम दे सकते हैं आप इसको, आप इसको शॉर्ट हैंड इफ भी कह सकते हैं लेकिन ये काम वैसे ही करता है यानी इफ, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर हमें पता है इफ एल्स पे काम करता है, उसमें एल्स इफ नहीं होता, अगर हो जाए तो ये कर दो नहीं हो जाए तो ये कर दो, दो ही कंडीशन होती है इफ एल्स पे खेल रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही काम हम इफ एल्स वाला काम कर सकते हैं लेकिन शर्त क्या होती है कि आपने जो है वो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर वाला क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपने उसके बगैर करना होगा तो उसके दूसरे लफ्ज़ों में पाइथन की लैंग्वेज में इसको टर्नरी ऑपरेटर नहीं कहते बल्कि इसका हम शॉर्ट हैंड इफ कहते हैं। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मौजूद है ना, अब मैं इसी को चेक करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर ये हो तो ये कर दो नहीं हो तो ये कर दो। अब मैं क्या लिखूँगा इसके लिए शॉर्ट हैंड इफ के अंदर हम काम करना चाहते हैं तो कैसे आता है प्रिंट। अब जैसे मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा प्रिंट कर दो एक्स, सही है कब इफ, हमने कहा इफ एक्स बड़ा हो वाई से, हमने कहा इफ एक्स बड़ा हो वाई से तो एक्स प्रिंट कर देना, एल्स नहीं तो प्रिंट वाई, वाई प्रिंट कर देना। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन तो रॉन्ग हो रही है, पहली कंडीशन रॉन्ग हो रही है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, तो आपको जो प्रिंट आ जाएगा वो आ जाएगा वाई का। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आके एक्स को जो है वो की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो अब प्रिंट क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा एक्स का। यानी इन लाइन हमने एक लाइन में शॉर्ट हैंड लाइन वन लाइन कहलाता है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं कि एक ही लाइन में आ रहा है और इफ एल्स की कंडीशन दे रहा है कि अगर ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं और प्रिंट उस वक्त होगा जब कंडीशन मैच करेगी, और अगर कंडीशन मैच करती है तो उसने ये प्रिंट कर दिया, और अगर कंडीशन मैच नहीं करती, ये कंडीशन है हमारी, कंडीशन मैच नहीं करती तो एल्स भी ले आएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है टर्नरी ऑपरेटर की तरह से इसका आउटपुट यहाँ पे हम ले सकते हैं। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, यहाँ पे हम एंड लगाएं ऑल लगाएं जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो मैं पिछली क्लास में भी समझाया था कि किस तरीके से हम जो है वो नॉर्मली अगर काम करते हैं तो कैसे हम जो है वो एंड और जोर लगाते हैं। तो ये हम पिछली अगर नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने पिछले में मैंने ऑपरेटर्स वाली क्लास दी थी उसमें मैंने इफ़ को यूज़ किया था और वहाँ पे मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड है और है जोर है, इनका इस्तेमाल किया था और यहाँ पे वहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाई थी। तो उसको देख लीजिएगा, मेरी नीयत इसके साथ कराने के लिए थी इस चीज़ को, लेकिन जो है वो उस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने उस वक्त करा दिया था, तो उसको वहाँ देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम आखिरी चीज़ पे आते हैं, वो है हमारे पास स्विच। अब यहाँ पे भी स्विच केस नहीं है पाइथन में, यहाँ पे स्विचर, स्विचर के नाम से एक मेथड है जिसको हम जस्ट लाइक स्विच केस की तरह काम कर सकते हैं, और काम वो वैसे ही करता है यानी केस ही करता है, हम अल्फ़ाबेट को नंबर देते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है वो उसकी वैल्यू को चेक कर रहा होता है। तो लेकिन यहाँ पे जब हम स्विच केस पे काम करना चाहते हैं यानी स्विचर पे, पाइथन में जो स्विचर होता है, तो हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर हम स्विचर पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्विचर का आउटपुट नहीं दे सकते। तो पाइथन में मेथड, मैं बाद में दोबारा पढ़ाऊँगा मेथड को बहुत डिटेल में, फंक्शन मेथड यानी फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको एक मेथड बनाने का सिंटैक्स सिखाता हूँ कि पाइथन में हम मेथड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डी एफ डिफाइन लिखते हैं।
हम फंक्शन का जो भी नाम देना चाहते हैं वो फंक्शन का नाम दे देते हैं, और फिर उसके आर्गूमेंट दे कुछ देना चाहे तो दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उसके आर्गूमेंट में कोई भी वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, मैंने ए का वेरिएबल इसके आर्गूमेंट में असाइन कर दिया, ठीक है जी। फिर आपने कॉलन लगाना, यानी समझो कॉलन जहाँ भी वही कर रहा है जो वहाँ पे है उसकी कर्ली ब्रैकेट करती है। जैसे फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की एक बॉडी होती है जो हम कर्ली ब्रैकेट से के दरम्यान में देते हैं, तो यहाँ पे कॉलन लग जाता है उसकी जगह वही काम कर रहा होता है। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे आके स्विच केस की जगह यहाँ यूज़ करूँगा स्विचर। हमने कहा स्विचर इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पे कलरी ब्रैकेट का ब्लॉक लगाना है। अभी आपका कलरी ब्रैकेट ब्लॉक लगेगा, मैं इसके जूम में साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे आके हमने कलरी ब्रैकेट का ब्लॉक लगा दिया। अब ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे आके हमें ये स्विच केस की तरह इसको चेक करना है। जब हम स्विच केस में चेक करते हैं, हमने कहा मिसाल अगर वन होता है, अगर आपको इनपुट वन मिलता है, इसका मतलब है अब मैं क्योंकि उसके आर्गूमेंट के अंदर आर्गूमेंट लगा के उसकी बॉडी में स्विचर ले रहा हूँ, तो ये वन बेसिकली क्या होगा, जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो इस आर्गूमेंट को जब वैल्यू मैं दूंगा, तो अगर मैं वैल्यू वन देता हूँ तो देन उस सूरत में मैंने कोई भी प्रिंट करवा दिया। हमने कहा एक मिसाल है लंच प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है, और अगर आपको इनपुट मिलता है टू तो देन मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो ब्रेकफास्ट या डिनर कर देते हैं, और अगर फिर कॉमा लगाना है सेपरेट अगले लाजमी है। और फिर इसके बाद आपने कहा अगर उसको मिलता है थ्री तो हमने कहा प्रिंट कर दो ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर भी लास्ट में भी आपने सेपरेटर के लिए कॉमा लाजमी लगाना है। इसके बाद अब इस मैं तो फंक्शन पे ही हूँ फिलहाल, तो स्विच केस पे स्विच तो उसके अंदर डाला है मैंने, लेकिन मैं फंक्शन पे ही हूँ तो मैं फंक्शन पता है कि फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है, लेकिन स्विच केस से मैं बाहर निकलूँगा तो मैं फंक्शन में तो पहले भी हूँ, लेकिन अब मैं प्योर फंक्शन में आ गया हूँ, मैं स्विच केस से बाहर आ गया, स्विचर से स्विचर की बॉडी से बाहर आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न, आपने कहा रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, तो वहाँ पर एक मेथड होता है स्विच केस से रिटर्न करने के लिए, वो होता है स्विचर डॉट गेट। आपने स्विचर डॉट गेट करना है, अब क्या गेट करना है, मैंने कहा ए जो मैंने आर्गूमेंट पास किया है वो गेट कर देना है इसको, यानी जो 1 2 3 जो मैं लिखूंगा वो उसको गेट करना है। अगर वो मिल जाता है और मैच करता है ठीक है, तो उसके दूसरा जो आर्गूमेंट है जो गेट का जो फंक्शन है इसके दूसरे आर्गूमेंट पे आप जो लिखोगे, इसका मतलब है इन 1 2 3 से हटकर कुछ भी मिला, इस 1 2 3 से हटकर कुछ भी मिला 4 5 6 या कुछ भी मिला, स्ट्रिंग लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, अगर कुछ भी लिखेंगे मिला तो देन क्या करें, आपने कहा प्रिंट कर दो एरर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, मैं फंक्शन से बाहर आ गया, रिटर्न कर दिया। देखिए मैंने एंटर किया तो उसने मुझे फंक्शन की बॉडी में अंदर नहीं रखा बल्कि फंक्शन की बॉडी से बाहर ले गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, जैसे अगर हम इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हैं, हम पाइथन में इनपुट लेना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में, जीयूआई की शक्ल में इनपुट लेना चाहते हैं, तो कैसे लेते हैं। अब मैंने जैसे कोई भी एक नंबर लिया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इनपुट बॉक्स आए, अच्छा जैसे इनपुट बॉक्स आए और मैं चाहता हूँ उस इनपुट बॉक्स को मैं किस टाइप की वैल्यू आए, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू दे, इसके अलावा कुछ और ना दे, क्योंकि मुझे तो 1 2 3 चाहिए, ना मुझे फ्लोट चाहिए, ना मुझे स्ट्रिंग चाहिए, 1 2 3 मैच करना है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपने कहा इंट, तो मतलब अब जो मैं इस इंट के अंदर इनपुट बॉक्स बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को उठाएगा, इंटीजर वैल्यू के अलावा वो किसी और वैल्यू को नहीं उठाएगा। तो हमने इनपुट बॉक्स के लिए इनपुट लिखा, अब आपने कुछ भी मैसेज पास कर दिया, हमने कहा टाइप एनी नंबर, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कोई भी ये मैसेज आएगा, इनपुट बॉक्स आएगा जिसमें वो हमें कहेगा टाइप एनी नंबर। अब जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो मैं उसको, अब मुझे समय का प्रिंट भी देना है तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और चूंकि मुझे प्रिंट लेना है तो मैं सी का प्रिंट ले लूँगा। तो सी इक्वल टू, अब मैं आता हूँ अपने फंक्शन पे, ए बी सी का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और उसके आर्गूमेंट पे जहाँ ए है, जहाँ पे ए है तो ए वैल्यू जो नंबर लिखेगा वो एन में चली जाएगी, तो मैं यहाँ पे आके एन पास कर देता हूँ। इसका मतलब है जो नंबर इसको टेक्स्ट बॉक्स से मिला वो एन में चले जाएगा, एन से मैं क्रॉस कर देता हूँ ए को, यानी इसका मतलब है मैं फंक्शन को एज ए रेफरेंस टाइप फंक्शन को की तौर पे यूज़ करके उसको एज ए उसको वैल्यू जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हमने कहा सी का प्रिंट कर दो। अब चलाते हैं इसको, देखें टाइप एनी नंबर, अब मैं 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, मैंने कहा नंबर 2 लिखा, एंटर कर दिया तो उसने कहा डिनर, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको चलाता हूँ, मैंने टाइप एनी नंबर, मैंने कहा अगर 1 लिख दिया तो ये मुझे ले आएगा किस पे, लंच पे। फिर हमने कहा इस नंबर लिखे, हमने कहा 3,
तो ये मुझे ले आएगा ब्रेकफास्ट पे, यानी स्विच केस के तो काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आके कहता हूँ ट्राई पेनी नंबर, और मैं उसको नंबर 1, 2, 3 से हट करके देता हूँ, मैंने कहा 5 दे दिया, तो ये मुझे ले आएगा एरर पे, जो इससे मैं यहाँ पे मैसेज पास किया हुआ। देखा, मैंने आर भूल गया था, एरर जाने से मतलब है वो मुझे एरर का मैसेज यहाँ पे आके पास कर देगा। ये हमने कह दिया कि मिसाल 5 से कोई नंबर दे दिया, इसने कहा एरर का मैसेज पास कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशंस लगती है। इफ की कंडीशन मैंने आपको बता दी, टर्नरी ऑपरेटर भी बता दिया, मैंने आपको स्विच केस भी बता दिया, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर मार्कशीट बनाएं, आप तो आपको बॉक्स का इनपुट लेने का तरीका भी बता दिया है, आप उसके ऊपर मार्कशीट बनाएं, इसके ऊपर आप पे रोल बनाएं, और उसके ऊपर हाथ सेट करें, क्योंकि इफ़ की कंडीशन तो स्पेशली इफ़ की कंडीशन तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ पे इफ़ यूज़ ना होता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जहाँ तक मैंने हर कोई भी एप्लीकेशन किसी न किसी जगह पे, हमें तो हर जगह पे कंडीशन को मैच करना होता है, चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे वो हमें वैल्यू को इनपुट लेना है, वैल्यू को चेक करना है, कैलकुलेशन करनी है, और तो इन सब जगह पे इफ़ स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर्स ये इस्तेमाल होते हैं, तो कंपलसरी है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि इसके ऊपर मार्कशीट बनाएं, इसके ऊपर पेरोल बनाएं, कोशिश करें, नहीं आती तो मुझे कमेंट्स करें, मैं बना के आपको वीडियो बना के जो है रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ, उसको देख के बना लें, और लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रिकॉर्डिंग पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन भी प्रेस करें, ताकि आपके पास मैं हर नई रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन भी आती रहे। और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर दूंगा। कोई टॉपिक पर रिकॉर्डिंग चाहिए वो लिखें, मैं वो आपको जो है वो मेल रिकॉर्डिंग करके भेजूँगा। लेकिन यह है कि स्टडी करें, सीखें, समझें, और मैं टू द पॉइंट, हर ट्रेनिंग को टू द पॉइंट लेके चला रहा हूँ, ताकि आपको ये कोई आपको ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है जी, बेहतर है।